Good morning, dear students. Today we will start the new unit. The unit is unit 5 and the lesson is lesson 9. And the poem is Jew Manners. Okay. So first of all, we will read and enjoy this poem. The poem is Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Written by Ellen Mathias. So this is the poem about zoo manners. जब हम चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कौन से मैनर्स को यूज़ करना चाहिए इस पोयम में उसके बारे में बताया गया है. तो आते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंजा पे. इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम द पोएट सेज दैट बी केयरफुल व्हाट यू से और डू. आपको केयरफुल रहना चाहिए यानी सावधानी बरतना चाहिए आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं. ठीक है. When you visit the animals at the zoo, जब आप जानवरों को चिड़ियाघर में देखने के लिए जाते हैं. ठीक है. Now we will come to the second stanza. In the second stanza, the lines are don't make fun of the camel's hump. हमें कैमल के हम्प का यानी कुबर जो निकला होता है कैमल की पीठ पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि he is very proud of his noble bump. वो उस उभार का उसको उस उभार पे बहुत गर्व होता है. उसको अपनी पीठ पर बहुत गर्व होता है कैमल को इसलिए हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए. नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द लाइन्स आर डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. और जो वो चिंपैंजी होता है ना बंदर के जैसा देखने में लगता है. ठीक है. तो वो उस पर भी हमें ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. क्योंकि वो सोचता है कि मैं उतना बुद्धिमान हूँ जितना कि मैं और आप. एक इंसान की तरह वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो उसकी उस समझ की हमें इज्जत करनी चाहिए और उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए. ठीक है. नाउ इन द फोर्थ स्टैंजा द लाइन्स आर एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और वो जो पेंगुइन्स जो हैं जो अकर कर चलती हैं झील के किनारे वो आपके रिमार्क्स को समझ सकती हैं यानी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं उस बात को वो समझ सकती हैं. ठीक है. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. उनको उसी तरह ट्रीट करिए जैसे कि वो आपको ट्रीट करते हैं. अगर वो आपको प्यार देते हैं तो आपको भी उन एनिमल्स को प्यार करना है. ठीक है. और अगर जो एनिमल्स आपको प्यार नहीं दे पाते हैं तो अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो वो एनिमल्स भी आपको प्यार करना सीख जाएंगे. ठीक है. अब कुछ वाइल्ड एनिमल्स को छोड़कर. ठीक है. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. और इस तरह से एनिमल्स जो हैं जानवर जो हैं वो जू में आपका हमेशा वेलकम करेंगे. ठीक है. तो आते हैं अब हम इसके न्यू वर्ड्स पे. तो पहला न्यू वर्ड है प्राउड. प्राउड का मतलब होता है गर्व. गर्व उसके बाद सेकेंड है नॉबल. नॉबल का मतलब होता है नॉबल मीन्स विशेष. ठीक है. नॉबल बुद्धिमान टाइप को. और उसके बाद है बुद्धिमान वाइज. थर्ड है फोर्थ है पेंगुइन्स. पेंगुइन्स का मतलब होता है पेंगुइन एक चिड़िया होती है. फोर्थ है स्ट्रटिंग. स्ट्रटिंग का मतलब होता है अकर कर चलना. रिमार्क्स. रिमार्क्स का मतलब होता है रिमार्क्स देना. जैसे कि इसके इन सारे वर्ड्स के मैं हिंदी मीनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी लिखवा दूंगी. ठीक है. और क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.